मैं जो गंदगी का ढेर लगा हुआ सभापति महोदय ऑटो टिपर मैं मांग संख्या 39 नगरीय विकास एम आवासन मांग संख्या 40 स्वशासन के ऊपर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधानसभा तक ही सीमित रहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा की बिलाड़ा एमपी पाट शहर नगर पालिका क्षेत्र है और इसकी करीब 63% जनसंख्या नगरीय सीमा के अंदर रहती है। उसमें जो काश्तकार वो करीब 35 वार्ड में से 20 वार्ड तो नगरीय सीमा में है, 15 वार्ड बाहर बिखरी हुई कुओं पर बसे हुए लोगों की है, छितरी हुई आबादी है। तो वो जो विकास होता है वो विकास सिर्फ 20 वार्डों तक ही सीमित रहता है, पीछे जो 15 वार्ड हैं वो वंचित रह जाते हैं। उन सब पर वो जो किसान लोग रहते हैं जो खेती पर आधारित हैं, पशुपालन पर आधारित है, जिसका एक नमूना है कि हमारे वहाँ से पूरा क्षेत्र चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो चाहे डेयरी के सेक्टर में हो पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। और इस क्षेत्र के किसानों के पास छोटी जोत है और वो किसान वहाँ पे जो उनके जो कुओं पे बसते हैं उनके इर्द गिर्द जो सरकारी भूमि है चाहे वो पथरीली है गैर मुमकिन है, उस पथरीली भूमि को उन्होंने सुधार कर काश्त काबिल कर दिया है। खूब सारा उस पर उन्होंने मेहनत की है, पैसा लगाया है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन लोगों के लिए आप जो उनके इर्द गिर्द आधा बीघा कोई पाव बीघा कहीं उनके पास एक बीघा जमीन जो उनके खेतों के सटी हुई सीमा पर है उन्होंने कब्जा काश्त शुरू कर दिया है। ये 1974 जब से नगर पालिका नहीं बनी थी उसके पहले से ही ग्राम पंचायत के समय से उनके कब्जे में है। तो उनके नियमन और आवंटन के लिए आप कोई ऐसी व्यवस्था करवाएं ताकि उनको सहूलियत मिल जाएगी और साथ के साथ नगर पालिका को कोई रियायती दर पे देंगे तो नगर पालिका की आय भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा मेरे बिलाड़ा और पीपाड़ नगर पालिका के अंदर ये राजोलाव तालाब है बिलाड़ा के अंदर और पीपाड़ के अंदर सपासर और राठौर लाइन नड्डी है, उनके सौंदर्यकरण के लिए कोई अपने इस डीपीआर बना के मेरे जैसे राजोलाव तालाब के लिए बिलाड़ा के अंदर 5 करोड़ की एक डीपीआर बनाई गई है, रूट सिक्कों को वो दी गई है और उसमें 1 करोड़ रुपए शायद आपके यहाँ से उनको मिला भी है। तो उसको कार्य की डीपीआर की स्वीकृति करवा कर आप निश्चित रूप से उसको पूर्ण करवाने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एक हमारे जो समस्या आती है जो नगर पालिका का पेराफेरी एरियाज है जिसके अंदर उससे सटी हुई जो नगरी सीमा के सटी हुए गाँव हैं करीब 10 गांव है, उनके गांव के जब कोई वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है तो उसमें उनके ऊपर इतना चार्ज लग जाता है कि एक बीघे की कोई वाणिज्यिक कन्वर्जन होता है भूमि का तो उसमें उनको 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम वो देने को भी तैयार हैं लेकिन वो गाँव वाले ये चाहते हैं कि हमारे से जो 20-25 लाख रुपये इन्होंने लिए हैं तो उसका हमारे पेराफेरी में हमें ले लिया है शामिल तो उसकी साफ सफाई के लिए या कुछ जो उसका परसेंटेज हो वो उस पर किया जाता है व्यय किया जाता है। तो उन गांव वालों को भी इसमें एक सहूलियत मिल जाएगी। और अभी सारे सदन ने मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि जो वाल्मीकि समाज है जो मैत्र समाज है वो हमेशा हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि आपने इसमें रिजर्वेशन ऐसा कर दिया कि जनरल के भी आते हैं ओबीसी के भी आते हैं सब आते हैं, काम कोई नहीं करता है और सारे वो अपने हिसाब से दूसरे ऑफिसों में अपना डेपुटेशन करवा लेते हैं और सफाई उन्हीं लोगों को करनी पड़ती है जो पुरातन काल से सफाई करते हैं। तो मेरा निवेदन है 1 मिनट के लिए तो उनके लिए भी अब विशेष कोई स्कीम बनाकर या विशेष नियम बनाकर उनके सफाई कर्मियों को लिए जाए तो उनके बल्ले में होगा। यूडी टैक्स का मामला है उसके कारण हमारे बिलाड़ा और पीपाड़ शहर नगर पालिका की तीसरी और चौथी किस्त रुकी है तो उनका
भुगतान करवाने के लिए मंत्री व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। कर दी उन्होंने तो हुक्म, मेरे तो 10 लगेंगे।